दोस्तों आपने हाल ही में आया अक्षय कुमार की मूवी रोबोट 2.0 में रेडियो सिग्नल और वाईफाई के साइड इफेक्ट की एक झलक तो देखी होगी। वाईफाई आने वाली जनरेशन के कामों को सुगम बनाता जा रहा है, वहीं विनाश का कारण भी बनता जा रहा है। आता है हमें इसके मजबूत और हानि रहित विकल्प की सख्त आवश्यकता है। मैं विशाल द्वारा खोजी गई नई तकनीक जीपीएन अर्थात ग्लोबल फोटोनेट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जिसकी स्पीड वाईफाई के मुकाबले सैकड़ों गुना तेज है। जहाँ वाईफाई के टावर पशु पक्षी व मानव जाति के लिए हानिकारक हैं, वहीं जीपीएन तकनीक पर्यावरण प्रिय व हानि रहित है। जीपीएन तकनीक में हम एलईडी बल्ब का यूज करते हैं। जीपीएन तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम इसे अंतरिक्ष यान और समुद्री जहाजों में भी कर सकते हैं। जीपीएन तकनीक को हम उन वाहनों में भी लगा सकते हैं जहाँ पर रेडियो सिग्नल सही से काम नहीं करता। अगर हम इस तकनीक को हर एक वाहन में लगा दें तो एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाएगा। मुझे आशा है कि हम इस तकनीक को आम आदमी तक ला सकते हैं।